हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और पिछला जो क्लास पढ़ाए थे अनुपात और सुनुपात का, जो उसका ख़त्म हो चुका है। आप नहीं देखो तो प्ले लिस्ट बनवाओ, जाकर देख सकते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक चीज़ देखते हैं। और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे NTPC ग्रुप डी रेलवे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और IUC का बेसिक देखते हैं और फिर उसका अगला क्वेश्चन बताएंगे। आज बेसिक चीज़ पढ़ा देते हैं जो इससे रिलेटेड है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इससे साधारण ब्याज। अगर हमें एक फॉर्मूला होता है, P×R×T/100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया। आर से रेट हो गया, रेट हो गया। और टी से टाइम हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन कुछ कराते हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ? मूलधन। क्या होता है? मूलधन, ठीक है। और रेट माने दर, और टाइम से क्या हो गया? समय। इसका फार्मूला था, मतलब हम लोग फार्मूला पर नहीं चलेंगे, बिना फार्मूला का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा ले लेते हैं बेसिक चीज। मान लीजिए 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 रुपया है, अगर दो वर्ष के लिए, ठीक है। 10% की दर से, दो वर्ष के लिए 1000 रुपया है, दो वर्ष के 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 1000 रुपया है, ठीक है। 2 साल के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना निकालेंगे? ये भी फॉर्म तो साधारण ब्याज निकालना है। तो जो मूलधन, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये पी है, क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है? 1000 रुपया है। और 10% की दर से तो क्या करेंगे? पी हो गया, आर कितना हो गया? 10 हो गया, और फिर क्या है? 2 वर्ष हो गया, ठीक है। और 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 होता है, परसेंटेज के लिए 100, 2 0 कट गया, कितना हो गया? 10 × 20 गुना कर देंगे, 10 × 20, और 20 × 200 हो गया, कितना हो गया? 200। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक है। गुना करेंगे 10 × 20 या 10 × 100, और 100 × 200 क्या हुआ? ये हमारा साधारण ब्याज हुआ। इसको दूसरा स्टाइल से भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका से। दूसरा तरीका से बनाना है, ठीक है। 2 वर्ष, 1 साल हो गया, 2 साल, 1 साल और 2 साल हो गया। यहाँ पे 1 साल ले लेंगे और यहाँ पे 2 साल, कितना? 10% की दर से, 10% यहाँ भी होगा, 10% यहाँ भी होगा। तो 100 का अगर 1000 का 10% निकालेंगे कितना होगा? 1000 का अगर 10% निकालेंगे कितना होगा? 10 × 100 होगा, 100 यहाँ हो जाएगा ब्याज। इसके ऊपर लिख लें 10%, 1000 यहाँ हो गया और 10%, 100 रुपये यहाँ, 10 × 100 हो जाएगा, 100 यहाँ हो गया और 100 यहाँ हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हुआ? 100 × 100 = 200। ब्याज कितना हुआ? ऐसा बराबर लिख सकते हैं, ब्याज बराबर 200। वहाँ भी 200 आंसर आया था, यहाँ भी 200 आ गया, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल, 1000 का 1 साल का 2%, 10% निकाल देंगे, 1000 का 10% 10 होगा,
एक और 1,000 के 10% दस दस के 100 हो गया, एक साल के 100 और दूसरे साल के 100। प्रत्येक साल के साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये और कुछ थोड़ा बेसिक चीज़ देख लेते हैं भाई। मान लीजिए कि मूलधन, मान लीजिए कि 600 रुपया की, ठीक है, 600 रुपये की राशि है, ठीक है, राशि पर 2 पूर्णांक 1/2 कौन सी परसेंट की दर से, ठीक है, की दर से 2 वर्ष का हम 600 रुपये की राशि है, ठीक है, 2% की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, किसको निकालेंगे, 600 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल आर कितना दिया है, दर मान की कितना दिया है 2 पूर्णांक, तो 2×4=5/2 कर देंगे, क्या करेंगे 5/2, और समय कितना दिया है 2 साल, और परसेंट के लिए 100 है नहीं है, 100 गुना कर देंगे, ठीक है, इसको काट देंगे, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 6×5=30, ये क्या हो गया 30, हमारा साधारण 30 पे साधारण ब्याज हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। 2800 रुपया राशि कितना है, 2800 रुपया राशि है 5% की दर से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो मान किसको कहेंगे 2800 लिखेंगे, ये पी मूलधन हो गया, पी हुआ, ठीक है, और गुने रेट, दर का 5% है, गुने दर, 2 वर्ष टाइम कितना दिया 200 गुना कर देंगे, और परसेंट के लिए 100 कर देंगे, 2 जीरो से कट गया, ठीक है, इसको गुना करेंगे, 5×5=10, 10×28 करेंगे क्या कितना होगा 280, ये मकान होगा ब्याज निकल गया, ठीक है। अगर आप कहेगा मिश्रधन कितना होगा, अगर मिश्रधन कहेगा मिश्रधन निकालने क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज होगा, मूलधन प्लस ब्याज, अगर मिश्रधन कहेगा तब, तो मिश्रधन कहेगा तो मूलधन हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे 2800 ब्याज क्या करेंगे 280 जोड़ देंगे, क्या करेंगे ब्याज जो लेगा वो जोड़ देंगे, तो मिश्रधन आपको निकल जाएगा, तो 0088 हो जाएगा, 8×2=10 हाथ में 1×2=3, 3080 हो जाएगा ना, इतना हमको मिश्रधन हो गया, क्या हो गया अमाउंट हो गया, ये हमारा क्या हुआ मिश्रधन हो गया, ब्याज क्या होगा तो आंसर यही हो जाएगा, ये 280 रुपया हो गया। अगर मिश्रधन कह देगा इसमें कि मिश्रधन कितना होगा, तो ये मूलधन, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाता, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।